दोस्तों क्या आपको पता है, अगर सिलाई करते समय सिलाई मशीन में जो नीचे का धागा होता है यानी बॉबिन का धागा अगर बार बार टूटता है तो इसके कौन से कारण होते हैं, कितने कारण होते हैं और उन सभी कारणों को कैसे सही करना चाहिए यानी ठीक करते हैं, ये सारा कुछ हम एक एक पॉइंट को इस वीडियो में पूरे बारीकी से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद। दोस्तों अगर सिलाई करते समय सिलाई मशीन में जो नीचे का धागा होता है यानी बॉबिन का धागा अगर बार बार टूट रहा है तो उसके टोटल 6 कारण यानी 6 रीजन होते हैं जिसके वजह से मशीन के नीचे का धागा यानी बॉबिन का धागा बार बार टूटने लगता है। देखिए पहला कारण तो यानी पहला रीजन हमारी सिलाई मशीन का बॉबिन केस ही होता है। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं बॉबिन केस में, अगर जो यहाँ पे देखिए नट दिया हुआ है, अगर ये नट ज़्यादा टाइट हो जाता है तो ज़्यादा टाइट होने के कारण से क्या होता है कि जो हमारा बॉबिन केस का जो धागा होता है बॉबिन का, जब हम धागे को ऐसे खींचते हैं तो हमारा धागा काफ़ी टाइट निकलता है और टाइट निकलने के कारण से क्या होता है कि जो हमारा धागा है यहाँ पे देखिए यहाँ पत्ती के साइड में यहाँ पर रगड़ खाने लगता है यानी रगड़ाने लगता है और रगड़ाने के कारण से क्या होता है कि धागा हमारा कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने से टूटने लगता है। तो पहला रीज़न तो हमारा ये हो गया। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है कि जो पत्ती में यहाँ पर नट दिया हुआ है आपको इस नट से ढीला कर लेना है, हल्का सा ढीला करना है। देखिए ज़्यादा ढीला नहीं करना है, हल्का सा ढीला करके अपने धागे को सही से सेट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपका जो बॉबिन का धागा है वो आराम से निकले, ज़्यादा टाइट ना निकले और रगड़ ना खाए, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण दोस्तों हमारी जो सिलाई मशीन की प्लेट होती है पटरी, ये देख लीजिए, दिखाता हूँ मैं इसको, ये देखिए जो हमारी ये पटरी होती है और पटरी में जो आपको ये सुराख दिखाई दे रहा है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी सिलाई मशीन की सुई होती है ये सुई इस पटरी के होल के अंदर जाते समय यहाँ साइड में टकराने लगती है और टकराने के कारण से क्या होता है कि जो आपके पटरी का ये होल होता है यहाँ पे कट पीट यानी रुखड़ापन हो जाता है। सुई टकराने से यहाँ पे रुखड़ापन हो जाता है, कहीं कट पीट हो जाता है, जिसके कारण से जो हमारा नीचे का धागा होता है जब इस होल से ऊपर आता है तो यहाँ रुखड़ा होने के कारण से यहाँ पर रगड़ खा के धागा कमज़ोर होकर टूटने लगता है। तो आप इसको चेक कर लें अपनी पटरी के सुराग को, कहीं आपके इस पटरी के सुराग में कहीं रुखड़ापन कहीं कट पीट तो नहीं है। अगर वहाँ पे रेग मार मार के सही हो सकता है तो सही कर लें, अगर नहीं होता है तो आप इस पटरी को चेंज कर लें तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन। अब बात करते हैं तीसरे कारण और उसके सोल्यूशन की। उसके लिए हमें ये सारा कुछ ऊपर का सामान, ये सब बूट वगैरह, ये पटरी वगैरह, दांत वगैरह खोलना पड़ेगा, तभी मैं आपको स्पष्ट दिखा पाऊंगा। तो चलिए इसको खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या कारण होते हैं और उसे कैसे सही करते हैं। पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, यू फीजा बुलाती है, ऐसे मुस्कुराती है जैसे हो ये मेरी महबूबा। ये देखिए तीसरा कारण हमारी सिलाई मशीन का ये स्टॉपर होता है। ये देखिए जो इस पार्ट है इसको हम स्टॉपर बोलते हैं। जो स्टॉपर का वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, जो निकला है हल्का सा और जो यहाँ सटल फंसा हुआ है, देख रहे हैं ना इस पार्ट को, ये पार्ट होता है तीसरा कारण। और चौथा कारण हमारी सिलाई मशीन के सटल का, देखिए ये वाला पार्ट होता है, देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों कारण को मैं एक्सप्लेन करूँगा एक ही साथ, इसलिए कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, समझिए, इसको मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ। देख लीजिए, पहले ये देखिए हमारे बॉबिन केस में किस कलर का धागा लगा है। देखिए हमारे बॉबिन केस में ऑरेंज कलर का धागा लगा है ना, ऑरेंज कलर का। अब मैं बॉबिन केस को नीचे सटल में लगा के आपको पूरा बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कैसे कैसे क्या होता है देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमने बॉबिन केस को लगा दिया सटल में, अब हमारी सिलाई मशीन की सुई जाएगी नीचे, देखिए ये देखिए हमारी सिलाई मशीन की सुई में कौन सा धागा लगा है, ब्लू कलर का, और जो हमारे बॉबिन का धागा लगा है वो है ऑरेंज। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, देखिए कैसे कैसे क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये देखिए हमारे सटल का हुक धागा पकड़ लिया सुई का ऊपर वाला और जा रहा है नीचे। अब ध्यान से देखिएगा ऑरेंज कलर के धागे पर, ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हो के आ रहा है। देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं ना हमारा ऑरेंज कलर का धागा, देखिए कहाँ आ गया, देख रहे हैं ना कहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए कहाँ से आ रहा है। ये जो सटल का जो स्टॉपर है और स्टोर जो पार्ट निकला हुआ है, देख रहे हैं ना यहाँ से होकर आया है ना, तो अगर यहाँ पे जो स्टॉपर का जो पार्ट है अगर ये यहाँ पर रुखड़ा हो जाता है तो इसके कारण से जो हमारा धागा होता है बॉबिन का, देख रहे हैं ना, जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर रगड़ के टूटने लगता है, ठीक है। तो आप चेक कर ले एक बार यहाँ पर स्टॉपर में, कहीं आपका जो स्टॉपर का ये पार्ट है जो निकला हुआ भाग, कहीं इसमें रुखड़ापन तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है। अगर रुखड़ापन है, ख़राब है, तो इसको आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप रेग मार्क्स रगड़ते हैं तो भी यहाँ पे धार धार बन जाएगा, धार होने के कारण से फिर भी धागा कटने लगेगा, इसलिए आपको इस स्टॉपर को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तीसरा कारण।
अब देखिए चौथा कारण क्या होता है, वो भी देखिए। अब देखिए चौथे कारण को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वीडियो पर पूरा ध्यान दीजिए, देखिए ऑरेंज कलर के धागे पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं हमारा ऑरेंज कलर का धागा कहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये देखिए शटल किस वाले पार्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, इस साइड में और इस साइड में टच हो रहा है, यानी ऊपर भी टच हो रहा है और इस साइड में टच हो रहा है और इस साइड में भी टच हो रहा है। ये देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये देखिए टच हो रहा है ना, देखिए टच हो रहा है ना। तो दोस्तों अगर आपके शटल के इस वाले पार्ट में कहीं रुखड़ापन होता है, इस साइड में या फिर ऊपर में कहीं भी रुखड़ापन होता है, तो इसके कारण से जो हमारा बॉबिन का नीचे का धागा होता है मशीन का, जो बॉबिन का धागा, वो यहाँ पे रुखड़ापन होने के कारण से रगड़ा के टूटने लगता है। तो यहाँ पे आप चेक कर ले शटल पे, यहाँ पे इस वाले पार्ट में, इस साइड में और इस साइड में और ऊपर में टच करके हाथ से देख लें कहीं रुखड़ापन तो नहीं, अगर रुखड़ापन है तो एक बार रगड़ के सही कर लें, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा कारण। अब मैं आपको बताता हूँ पाँचवा कारण क्या होता है, देखिए वो भी शटल में ही होता है, देख लीजिए ध्यान से। पाँचवा कारण दोस्तों हमारी सिलाई मशीन की ये सुई होती है, ध्यान से देखिए, जब हमारी सिलाई मशीन की सुई अंदर जाती है शटल में नीचे, तो देखिए अगर नीचे जाते समय शटल के देखिए इस वाले पार्ट में देख रहे हैं ना पार्टी, अगर इस वाले पार्ट में यहाँ साइड में अगर कहीं टच होती है या फिर नीचे जाते समय जो हमारा शटल का ये वाला पार्ट है, देखिए जो होल है ना शटल का, होल के साइड में जो ये पार्ट है, अगर इस पार्ट में कहीं साइड में यहाँ पर टच होती है सुई हमारी, या फिर जब हमारी सिलाई मशीन की सुई अंदर जाती है और जो हमारा शटल का ये हुक है, अगर ये हुक जब सुई के बराबर आता है और ये हुक सुई में ज़्यादा टच होता है, तो इन तीनों कारणों से भी जो हमारे नीचे के धागा होता है यानी बॉबिन धागा, वो रगड़ा के टूटने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आप देख लें, चेक कर लें कहीं आपकी जो सुई है, ये सुई शटल के अंदर जाते समय शटल के इस वाले पार्ट में यहाँ साइड में कहीं टच तो नहीं हो रही है, या फिर शटल का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होल के पास में है, अगर इस पार्ट में कहीं साइड में यहाँ टच तो नहीं हो रही अंदर जाते समय, या फिर जो हमारी सिलाई मशीन का जो शटल है, शटल का जो हुक है, ये हुक जब सुई के बराबर आता है आमने सामने, तो जो हमारा शटल का ये हुक है, ये हुक सुई में कहीं ज़्यादा टच तो नहीं हो रहा है, ये तीनों चीज़ों को आप चेक कर लें। अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए क्या करना है, सही करने के लिए देखिए जो आपका शटल के साइड में देखिए नट दिखाई दे रहा है, तीन नट, किसी शटल में दो नट होते हैं, किसी में तीन होते हैं, तो जितने भी नट है आपके शटल में सारे नटों को आपको ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद अपने शटल को हल्का सा इधर की तरफ कर लेना है, हल्का सा बिल्कुल इधर की तरफ कर लेना है, ठीक है, और करके अपना इसको नटों को टाइट कर देना है, फिर आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट छठे कारण की, चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। छठा कारण दोस्तों, जब हम बॉबिन केस को शटल के अंदर लगाते हैं, देखिए जब बॉबिन केस को हम शटल के अंदर ऐसे लगाते हैं, तो लगाते समय क्या होता है, जो हमारा धागा होता है बॉबिन का, ये धागा जो बॉबिन केस का ये कुंडा होता है, इस कुंडे के अंदर देखिए ऐसे, ये देखिए ये ऐसे कुंडे के अंदर धागा हमारा फंस जाता है, जिसके वजह से जो हमारा धागा होता है बॉबिन का ये काफ़ी टाइट हो जाता है, और जो हमारी सिलाई मशीन की सुई यानी शटल जब धागे बॉबिन के धागे को ऊपर लेके जाता है, तो टाइट होने के कारण से हमारा धागा ऊपर नहीं जा पाता है, टाइट होके टूट जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको सही करने के लिए आप चेक कर ले, देख ले कहीं आपका जो धागा है, ये धागा आपके इस बॉबिन केस के कुंडे में, इस कुंडे में कहीं फंस तो नहीं रहा है, ठीक है, देख ले चेक कर ले, फंस रहा है तो यहाँ से निकाल के इसको सही कर ले, ठीक है। जब भी आपका सिलाई मशीन का जो नीचे का धागा है बॉबिन का अगर बार बार टूटता है, तो सबसे पहले आप यही काम करें कि अपने जो बॉबिन केस है उसको शटल से बाहर निकालें, और निकालने के बाद इस जो फिरकी होती है बॉबिन को, इसको बॉबिन केस से बाहर निकालें, और फिर इसको धागे को मतलब बॉबिन को बॉबिन केस के अंदर सही से बिठाएं, और सही से लगा के फिर दोबारा एक बार अपने बॉबिन केस को शटल के अंदर लगाएं, ठीक है, सही से लगा के फिर चेक कर लें, देख लें, उसके बाद सिलाई करके देखें, और फिर भी धागा बार बार काट रही है नीचे का बॉबिन का, तो जो मैंने अभी इससे पहले जितने भी कारण बताए हैं उन सभी कारणों को चेक करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसी को चेक करना है, ठीक है, बॉबिन केस वाले कारणों को चेक करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो यार इतनी कंजूसी बहुत बुरी चीज़ है यार, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सीधा पहुँच जाए, और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जाइए हमारे चैनल पर, और भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, देखिए और कुछ नया सीखिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, उनको भी सिखाइए।